इंडियन आर्मी की तरफ से शहीद औरंगज़ेब जो कि देश के लिए सैक्रिफाई हुए थे उनकी याद में एक एथलेटिक कंपटीशन करवाया गया। ये जो प्रतियोगिता थी इसमें तमाम जो कि स्कूलों के बच्चे हों, आम युवा हो या फिर 40 साल से ऊपर के लोग हों, ये सेना की तरफ से एक बहुत ही बड़े पैमाने पर मेंडर के ओपी हिल स्टेडियम में जो है ये कार्यक्रम करवाया गया, जिसको मेंडर गनर्स सेना की ये सब स्पेट्स गनर्स की तरफ से ये पूरा इवेंट था। और इसके साथ आपको बता दें कि शहीद की याद में इस तरीके के इवेंट करवाना कहीं ना कहीं एक उनको एक तो सम्मान होता है और दूसरा ये है कि युवाओं को उनके साथ जोड़ना, उनकी वीर गाथाओं को जो है वो बताना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि आज का युवा जो है वो चाहे नशे की तरफ जा रहा है या किसी गलत गतिविधि की तरफ जा रहा है, ऐसे में भारतीय सेना के एक प्रयास है कि यूथ के लिए ऐसे कार्यक्रम कई बड़े पैमाने पर करवाए जाए ताकि वो अपनी जो है उस संस्कृति, अपने देश के साथ, अपने उन जवानों के साथ जुड़ सके और नशे जैसी जो एक लत है उससे दूर हो सके। ये कार्यक्रम जो करवाया गया इसमें कोई एज लिमिट नहीं थी। इस कार्यक्रम के दौरान छोटे से लेकर बड़े यानी एज फैक्टर जो कि नहीं रखा गया था उसमें 40 से अबव लोग भी थे जिन्होंने लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, उसके बाद जो है वो रेस जो है 200 मीटर, 100 मीटर, 800 मीटर, ये सब जो है वो करवाए। और इसके साथ सेना ने जो है गर्ल्स को भी एक मौका दिया, गर्ल्स ने भी यहाँ पर अपना हुनर यानी अपनी प्रतिभा दिखाई क्योंकि गर्ल्स का भी यहाँ पर जो है इस इवेंट के साथ उनको भी रखा गया। और इसके बीच में सेना ने अपना ऑर्केस्ट्रा जो बैंड था उसको भी यहाँ पर प्ले किया, उसमें भी कुछ सिंगिंग के माध्यम से जिन बच्चों का टैलेंट है कुछ गाने का, सिंगिंग करने का, उनको भी एक प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर दिया गया। तो इस तरीके के प्रयास सेना के काफ़ी कारगर साबित होते हैं जिसकी सराहना जो है वो लोग कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम शहीद औरंगज़ेब की याद में, और मैं अहम बात जो कहना आपसे भूल गया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहीद औरंगज़ेब के जो फादर और मदर दोनों थे, उनके गांव से कुछ लोग आए हुए थे और उनके पिताजी मोहम्मद हनीफ साहब और उनकी माता जो थी वो भी साथ में थी। और उन्होंने यहाँ पर जो विजेता खिलाड़ी थे जिन्होंने इस पूरे इवेंट में भाग लिया था उनको सम्मानित किया, मेडल डाले। और भारतीय सेना की जो ए सब स्पीड्स गनर हैं, यहाँ की जो मेंडर गनर्स के जो कमांडिंग अधिकारी थे, उन्होंने भी उन्हें श्रद्धा सुमन यानी एक बेंट के तौर पर, उपहार के तौर पर एक बेंट भी उनको दी। और जिसके साथ कहीं ना कहीं आज एक वो मतलब कि शहीद औरंगज़ेब की उस गाथाओं का, उनकी वीर गाथाओं का जो वर्णन कर जो है पूरे जितने भी इस मैदान में लोग थे या जितने भी बच्चे थे स्टूडेंट से उनके बारे में बताया, क्योंकि शहीद औरंगज़ेब वो थे जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तरफ से अपने 101 आर्टी रेजिमेंट अपने सीए साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कमांडिंग ऑफिसर को छोड़ के मेजर साहब है, असम साहब है, और जिन्होंने ये बड़ी मन मन बड़ी ताकत लगा के ये जो टूर्नामेंट करवाई है इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। और मैं उम्मीद आइंदा भी ये रखूंगा कि आने वाले साल में दोबारा हर साल ये यादाश्त औरंगज़ेब के नाम से यादाश्त होती है। और बाकी हमारे जो यहाँ एसर्समैन मेडल के उनको और बच्चों को जिन्होंने इस खेल में हिस्सा लिया सबको मैं अपनी तरफ से, शिव साहब की तरफ से और अपने घर के परिवार की तरफ से सबको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, सत श्री अकाल। सलाम। हमारे मेंटर में राइफल मैन औरंगज़ेब के पेरेंट्स से बड़ा कोई ऐसा कोई वीआईपी नहीं है जो हमें लगा कि जिसके नाम पे और जिनको यहाँ पर वीआईपी बुलाए ऐसे एक बड़े इवेंट के लिए। मैं उनके माता पिता का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने संडे को अपना टाइम निकाल के यहाँ जो मेंटर के कम से कम 300-400 बच्चे आए हैं जिन्होंने 2 दिन के ओपन एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया और उनका यहाँ पर आके उनके इवेंट को देखा, उनका प्रोत्साहन दिया, उनको अपना आशीर्वाद दिया, उनको मेडल पहनाए और उनको इंस्पायर किया। मैं शहीद औरंगज़ेब के पेरेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
इसके अलावा जितने भी यूथ पूरे मेंढर तहसील और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर जो भी हमने दो दिन तक एथलेटिक्स का कंपटीशन कराया, उन्होंने जिसमें पार्टिसिपेट किया, उनका भी हम पार्टिसिपेशन के लिए और अपने पूरे टैलेंट को दिखाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये विश्वास करते हैं कि जो हमने भी एथलेटिक्स कंपटीशन कराया है और जिन बच्चों को ये लगा है कि हमारे पास एथलेटिक्स का टैलेंट है, चाहे वो ट्रैक इवेंट हो चाहे वो फील्ड इवेंट हो, वो उसको आगे से परस्यू करें और आगे फ्यूचर में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और भगवान करे ऊपर वाले की इच्छा होगी तो इंटरनेशनल लेवल में जो खेलो इंडिया मिशन ओलंपिक्स का जो हमारा एम है उसको साकार करेंगे और कहीं जाके इंटरनेशनल लेवल में मेडल जीत के अपनी कंट्री का, अपने यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट मेंढर तहसील का नाम जो है ऊंचा करेंगे।